शीशा उनको गिराया गरूर ने, मारा करते थे जो नफरत की ठोकर हलवे को, तोहफा के चने के लिए भी कराए गरूर। अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान अपने भक्तों पे बड़े दयालु रहते हैं। एक मेरा प्रश्न है कि भगवान खाते क्या है? कोई कहता है 56 भोग खाते हैं, कोई कहता है मेवा मिष्ठान खाते हैं, कोई कहता है भाव खाते हैं। मगर जो मैंने निष्कर्ष निकाला अपने गुरुओं की कृपा से, भगवान का भोजन केवल है घमंड और घमंड। वो क्यों? वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा भक्त घमंड में डूब गया तो मुझसे विमुख हो जाएगा, अगर मेरे पास आके विमुख हो गया तो मुझको तारा हार कौन कहेगा। तो भगवान ने देखा कि मेरे तीन भक्तों को घमंड हो गया, जो उनके सदा सन्मुख रहा करते थे। पहला घमंड हुआ भगवान की असवारी को, करुण देव महाराज। उन्होंने सोचा, उनको इस बात का घमंड था, तीनों लोकों में मुझसे कोई तेज गति से प्राणी उड़ने वाला है ही नहीं। और दूसरा घमंड हुआ चक्र सुदर्शन महाराज को कि भगवान ने जिसका भी वध किया मेरे द्वारा किया, मैं आ गई मैं। तीसरा घमंड होया भगवान की पटरानी को, धर्म पत्नी को, जिनका नाम था सतभामा। मुसलमान तीनों लोकों में कोई सुंदर नारी है ही नहीं। तो कन्हैया ने सोचा इनका गर्व भंग करना चाहिए। आपने प्रेमियों राम जी और हनुमान जी के संवाद बहुत सुने होंगे, राम जी के परम भक्त थे हनुमान जी महाराज। मगर श्याम जी हनुमान जी का संग नहीं सुना होगा, जो नई बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो भगवान ने एक लीला रचाई, सबसे पहले गरुड़ देव को बुलाया, गरुड़ देव जाओ सुमेरु पर्वत में मेरा एक भक्त हनुमान पूजा में लीन है, उसको पकड़ करके लाओ। तो गरुड़ देव बोले प्रभु अगर नहीं आया तो? बोले कैसे भी ला। बोले युद्ध करूं? बोले पूरी छूट है युद्ध करके लाओ। तो गरुड़ देव चल दिए। एक बार मोहन ने गरुड़ से हनुमान बुलवाए, हनुमान बुलवाए, हनुमान बुलवाए, जाके गरुड़ ने हनुमान से ऐसे वचन हमारी, तुम्हें बुलाते कृष्ण मुरारी, चलो हमारे साथ करो ना कोई आना कानी। कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जी ने कहा हे पक्षीराज आप कौन हो, कहां से आए हो, किसने भेजा है? बोले द्वारकाधीश ने मुझे भेजा है द्वारका से,
आपको लेने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा, मैं किसी द्वारकाधीश को जानता ही नहीं हूँ, किसी कृष्ण को नहीं जानता, सिवा अपने प्रभु राम के। Chuck
अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमान। कन्हैया जी ने अपनी पटरानी धर्मपत्नी को बुलाया जिनका नाम था सद्भामा। सद्भामा जी इधर आओ, मेरा एक विशेष भक्त जिसका नाम है हनुमान, आज वो हमारे घर में अतिथि बन के आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं हमारे। जो भी सुंदर से सुंदर रूप हो त्रिलोकी का, वो सज धज करके बैठ जाओ। तो सद्भामा को अपने ऊपर घमंड था कि मुझ समान कोई तीनों लोकों में सुंदर स्त्री है ही नहीं। बोले प्रभु अभी गई और अभी आई। बोले ठीक है आई है, भगवान झूले पर विराजमान है। आकर के सद्भामा जी बैठ गई और कन्हैया ने एक कौतुक किया, इतना मनोदर्शक कौतुक किया कि मुझे हर्ष हो रहा है कहने में, अपना रूप कृष्ण के बजाय राम भगवान का बना लिया। और सद्भामा आके बैठ गई, हनुमान जी अंदर घुसे, चक्र सुदर्शन उनके काल में दबे हुए हैं। राम रूप में देख कृष्ण को कपने शीश झुकाया, थारी कहां गई माँ जनक दुलारी, शर्मिंदा मन में हुई वो सद्भामा पटरानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। अभिमान मर गए पर।